है शुभम ने चिकन खा लिया वहाँ पे कि मैं अच्छी लड़ाई करती है पूजा जी लेके आई। एक दिन तुमको कोई खा लेगा ऐसे पका के तो कैसा लगेगा, तुम अभी इतना परेशान मत हो। गलती से मुर्गा खा लेना आज। हम बा नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं होता गलती, तुम बहुत ओवर इंटेलिजेंट हो। उसके बाद जेल में जाना हो जाती तो काशी तट पे 21 दिन रह के आती। इनको अगर मैं कोर्ट में केस करूँ तो अच्छा खासा पेनल्टी देना पड़ेगा। साले नया नया इन्वेंशन कर रहे हैं लोग। चलो तुम अंदर नहीं चलोगे भाई? ये हम लोग को आए ना घर पे तकरीबन 20 मिनट से ऊपर हो गया है और ये लड़का यहीं पे बैठा है। बहुत ज़्यादा ही ये मतलब परेशान हो गया है। और देखो मैं इसको ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि जाने दो क्या हो गया ये वो, मैं बस इसको इतना ही बोलूँगी कि थोड़ा सा चलो पूजा पाठ करवा लेंगे शिवम, जैसे कि तुमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और शुक्र मनाओ भगवान का कि तुम चखे नहीं, मतलब पूरा दांत से उसको दबा के ऐसे खाए नहीं। प्लीज़ मैं एक बार फिर से बोलूँगी कि जितने भी लोग खाते हैं ना, मतलब अभी देखो भारत की जो जनता है वो 60-70% लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है? तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए ये बात, क्योंकि देखो हम नहीं खाते हैं और हम नहीं खाते हैं तो हमारे लिए मतलब वो समझो कि मैं क्या ही बोलूँ यार। अब हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये वो, क्योंकि आप खाते हो। तो देखो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, हमने कभी खाया नहीं है और ना हमारे ख़ानदान में कोई खाता है, और उसको अगर खाते भी है तो समझो कि पाप माना जाता है। प्लस खाने के लिए देखो मांस नहीं बनाया गया है, खाने के लिए सब्जी बनाई गई है। तो बस मेरा तो यही है, हम लोगों को यही सिखाया गया है कि खाने वाली चीज़ को खाओ, ना खाने वाली चीज़ को ना ज़बरदस्ती खाओ मत। एक दिन तुमको कोई खा लेगा ऐसे पका के तो कैसा लगेगा। तो मैं इतना बोलूँगी कि अगर शिवम की जगह मैं होती तो मैं पक्का कसम से मैं किसी काशी या किसी और घाट पे जाके 21 दिन घाट पे ही रहती। मैं मतलब मैं पाप का प्राश्चित तो देखो ऐसे ही कर सकती हूँ मैं, और कुछ है नहीं, क्योंकि उसको काटा किसी और ने किसी और के स्वाद के लिए और पाप किसी और को लग गया। तो ये गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये गलत है यार। वहाँ पे उन लोगों ने बहुत गलत तरीके से चीज़ें रखी थी। मैं बता रही हूँ मैं आज खाना नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि उसी प्लेट से हलवा उठा के मैंने खाया था। शिवम ने तो क्या ही बोलूँ यार। सुनो तुम अभी इतना परेशान मत हो, चलो अंदर चलो नहा लो, अंदर चलो। ये भी इतना परेशान होगी क्या कर लोगे, अब तो हो गया ना हैं? कसम खा के बोल रही हूँ वहां पे मैं रोने लगी थी और शिवम भी रोने लगा था, बहुत बुरा हुआ यार। और कुछ ऐसे नॉन वेजिटेरियन लोग थे जो हंस रहे थे, हंसो कोई बात नहीं, इंसाफ होगा ऊपर। जब तुम गलत लाइन में खड़े हो गए ना मरने के बाद, और हम अच्छे लाइन में रहेंगे जब हम हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। देखो बोलना कुछ नहीं चाहिए, जैसे हम दूसरे की चीज़ों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, वैसे उनको भी देना चाहिए, वेजिटेरियन लोगों को रिस्पेक्ट। लेकिन उनको लगा होगा हुआ कि आधे से ज़्यादा तो नॉन वेजिटेरियन है, सब एक में घुसा के रख दो। चलो चलो अंदर नहाओगे पहले ना? चलो नहा लो नहा लो। दबाए नहीं थे ना यार उसको, काट के नहीं ना खाए थे? मैं इन लोगों को बोल चुका था कि नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। नहीं ये बात ही नहीं है, पता है मेरा तो भाई मैं भी बोल रही थी कि चलो, मैं तो एक बार उठ के वहाँ से आ भी गई थी, इतना सड़ा वाला काम कर रहे थे ना वो लोग। तीन मैकपफ और एक आलू टिक्की रखे हुए थे तुम लोगों के लिए, हमारा मन पता नहीं क्यों मैं बाहर से छोड़ चुका हूँ, 5 दिन हो चुका है नहीं खाया है मैंने, कुछ भी नहीं खाया है बाहर से। इसीलिए हम इस शिवम के लिए, शिवम के बारे में सोच के ही एक मैकपफ और आलू टिक्की एक इसके लिए, बाकी उन लोगों के लिए हम रखे हुए थे कि भाई थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेगा आएगा। तो बाहर का खाना वैसे ही बंद है पूरा, अब मन कह रहा था कि कुछ होगा होगा होगा, हो गया। भगवान माफ करे भगवान, ना हमने जीव हत्या किया वो, और ना अपने स्वाद के लिए उसको देख के जिसने जो किया उसको पाप लगे, कीड़ा पड़े उसके अंदर। ये पागल कोई अलग अलग चाय कैसे लाया, तुम्हारा चाय इतना गर्म है, मेरा ठंडा है चाय। तुम्हारा कम था इसलिए ठंडा होगा।
स्वाद के लिए किसी जीव को मार के खा लो। आप लोगों को याद है पटना में ही गाड़ी में बैठ के इसने खाया था, पूजा के हाथ से भी खाया, वो भी पूजा के हाथ से था और ये भी पूजा के हाथ से। एक बात बोलूं कसम से, ये लड़के ने मुझे रोक के रखा था कि पूजा से मंगवा लेते हैं फिर उसको भेज देंगे लाने के लिए। मेरी एक आदत है, मानो या ना मानो, मैं कभी किसी का लाया हुआ नहीं खाती, और ला दिखाती भी हूँ तो देख देख के। ये मेरे हाथ से प्लेट लेके खाया था, तुम वीडियो बनाओ मैं खाता हूँ। खाई थी केक एक बार केक खाई थी ना किसी का लाया हुआ? खाया नहीं था। हाँ खाया नहीं था, ठंडा था, हाथ में लिया था, तब मैं इतना रोई थी। अगर आज मेरे मुंह में चला जाता ना तो पहले तो वहाँ का सारा खाना ऐसे ऐसे फेंकती, सबको मारती, उसके बाद मुझे फोन करती, एक एक बंदे को मारती, उसके बाद तुमको फोन करती, उसके बाद जेल में जाना हो तो जाती, काशी तट पे 21 दिन रह के आती। भगवान कभी ये पाप मुझसे ना कराए। अगर खाने को खाना खत्म हो जाएगा इस पृथ्वी से तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, लेकिन ये पाप कभी नहीं करूंगी। मुर्गा खा लेना आज गलती से मुर्गा खा लेना आज। हाँ बाबा थूक दे नहीं चले गए यो को नहीं। अरे ला के खिया दे लग, हम थोड़े सही नहीं हैं, देख लो बुझत ना रहे तो बुझाई लग, तभी तो थूक नहीं। देख लो हमारे यहाँ के जो स्टाफ है वो कितना शॉक्ड हो रहे हैं ये सुन के। अरे के रहे दीदी बड़को गलती से बड़को पूजा होटल में खाए, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो ना, इसीलिए होटल में नहीं खाना। हम लोग अवॉइड करते हैं यार। अब आपने भी नोटिस किया होगा बहुत दिनों से, लगभग 6-7 दिनों से हम लोग बाहर का नहीं खाए। दिल्ली गए थे उसके बाद हम लोग गए नहीं, और देखना सच में अब आपको दिखेंगे। एक सेकंड, क्या आपने बीकानेर हल्दीराम और कोई बताओ, वो तो वेज रेस्टोरेंट है ना, यहाँ छोड़ के हमें कहीं और खाते हुए देखा है? बहुत रेयर। जब मरते हैं ना भूख से, वो अब वो नहीं यार, रेयर कहाँ अब कहाँ। हाँ कुछ दिनों से तो बिल्कुल ही बंद है, 2-3 साल से बिल्कुल नहीं। पहले जब थोड़ा सा नहीं था उतना दिमाग, अनमेच्योर थे तब था, लेकिन अब नहीं। हो गई नहा तो नहीं, नहा के जाएंगे अंदर। कहाँ जाएगी फोटो? अमेरिका। क्या बाबा की फोटो बनाओ तो काल तार खजूर आई, खजूर 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 जाए तो घर आई जाए तो माथा निश्चिंत हो गई हो गई ना। पेड़ जड़ी से कबार के लिए देखी हमें भी जैसे ना फल बनू खबीला खा लो पर ना हम चुटना किया। पूरा बिजली हिल गया यार ये तो। फेंक पानी तो भाई आओ इधर आओ तुम भी जाओ, तुम भी फेंको, एक काम करो मंगल, रुको आप लोग डालो अपने खुद हाथ से डालो। ड्रामा मत करो, ड्रामा नहीं होता, गलती तुम बहुत ओवर इंटेलिजेंट हो ठीक है। इस मामले में हूँ सॉरी, इस मामले में बहुत ज्यादा हूँ। मेरा दिमाग खराब है, पानी में घुसा दिया यार, नहीं जाता कान में घुस जाएगा भाई साहब देख के, लेकिन मानना पड़ेगा पूजा, इतना बड़ा कांड होने के बाद कह रही है क्या कि हमको क्या पता था, हमको तो देख के मन ललच रहा था, ले आए तो पूरी गलती इसकी थोड़ी है। रोटी सब्जी और वही हर मास रख देंगे नहीं, तुम, नहीं, तुम देख चेक करके खोल के देखो। हम पूजा को क्या, एक मिनट, नॉनवेज का रूल है कि खाना जब सर्व किया जाएगा तो अलग सेक्शन होना चाहिए वेज नॉनवेज का। हम कुछ डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं या फिर हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं? नहीं, पटना वाले रुको रुको, हम रूल तोड़ने में बिहार
कर्मचारियों का कोई भाई बांध नहीं सकता है। बहुत बढ़िया बात बोला है पूजा ने। फाइव स्टार होटल है, इनको अगर मैं कोर्ट में केस करूँ तो अच्छा खासा पेनल्टी देना पड़ेगा। जो मैं चाहूँ वो बेचता नहीं है। सुनो, वेज खुला में बेचते हैं अलग, काहे कि कोई पावरफुल आदमी का होगा, किसी करप्ट आदमी का, ब्लैक मनी सो कॉल्ड वाले का होटल खोल दिए हैं और अपनी दादागिरी चलाएंगे, अपना गुंडा ही दिखाएंगे। देखो, वेज था, वेज बीच में नॉन वेज, और उसके पीछे छोटे से उसमें लिखा था उसके बगल में रसगुल्ले, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में। कैसे पता चलेगा कि नॉन वेज रखा यहाँ, और वो भी इंग्लिश में। अगर कोई पढ़ा लिखा ना होता, क्योंकि देखो यूट्यूबर में ना आजकल के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि बेचारे नहीं पढ़े लिखे होते हैं और वो कुछ यूट्यूब पे अपना स्टार्टअप करते हैं। तुम पॉइंट बात करोगी, कानून बना हुआ है, खाना कौन सर्व करेगा, साले फाइव स्टार होटल है वो, कौन ले देगा। वहाँ पे क्यों नहीं कानून दिखा रही थी अपना, बोल रही थी तो क्या चिल्ला रही थी वहाँ पे कि मैं चिल्लाया, गलती है पूजा जी लेके आई, तुम चिल्लाई हो तो तुम्हारा भी गलती मैं मानूंगी। वो मेरा गलती है, पूछा क्यों नहीं, तुम बाहर में खा रही थी, बाहर में बाहर के लोग, मैंने देखा है वहाँ पे कि वो भेज ही काउंटर है, वहाँ पे नॉनवेज क्यों रखा वो। इनका लाइसेंस मिला हुआ है फाइव स्टार होटल का, सारा सरक छाप इनसे बढ़िया बुद्धि का तो ठेला वाला होता है, कम से कम उसका हाथ गंदा है कि ठेला गंदा है, सामने दिखा के बेचता है जो भी बेचता है। हाँ, उनका वही गलती था कि भाई देखो इनके यहाँ का पहला गलती उनका ही था कि वो वेज के बीच में नॉन वेज रखे थे। मैं दूसरा गलती पूजा दी का ये दे रही हूँ कि तुम पूछी क्यों नहीं, क्योंकि मैं कहीं भी अगर ऐसे भाई ऐसे खाने के लिए धक्का मुक्की हो रहा है, जो जो दिखा हम उठाए निकले वहां से लेकर के देखेंगे हम वहां पे ना। नहीं नहीं नहीं, इस चीज खाने के लिए धक्का मुक्की हो रहा था वहां पे तो लोग लगे हुए थे भाई, कोई प्लेट हाथ में लेने नहीं दे रहा था, अब हम प्लेट लेके हाथ में फंस गए थे। माँ कसम भाई, मुझे ना अफसोस नहीं हो रहा है कि मैं नहीं गया अंदर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धक्का मुक्की नहीं हो रहा था, बट हाँ ना नहीं हो रहा जैसा सोचा था वैसा हुआ। सीरियसली बिहार में नहीं आते हैं बिजनेसमैन, बिहार लायक नहीं है, मैं आज बोलूंगी ये बात। और ये मैंने बिहार में बिहार के अगेंस्ट में नहीं बोला है, पहली बार हुआ है। गंवार है यहाँ पे, और यहाँ पे राउडीपन चलता है और बुद्धिहीनता चलता है, क्योंकि ये फाइव स्टार होटल का फूड मैनेजमेंट है कि वेज और नॉन वेज एक साथ रख देंगे जस्ट बिकॉज वो सैलेड है। इन गधों को ये नहीं पता कि दुनिया वीगन जैसा शब्द इस्तेमाल कर रही है, जहाँ वेज में भी फिल्टर्ड है अमाउंट, क्या डाला हुआ है क्या नहीं डाला हुआ है। नॉन वेज सैलेड क्या होता है, सैलेड है इसलिए वो वेज में घुसा देंगे, और इनको नॉन वेज और वेज की दुनिया नहीं पता है। सैलेड का मतलब क्या होता है, सैलेड का मतलब होता है वही साग सब्जी, लेकिन इन हराम खोरों का नॉन वेज सैलेड हो गया। पढ़ लेते हैं इंग्लिश बोलने से कोई अंग्रेजी, सॉरी इंग्लिश बोलने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। अच्छा, इंग्लिश बोल रही थी क्या? हाँ, इंग्लिश में नाम दे दिया, तब तो मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी हो आप। नॉन वेज सैलेड का मतलब क्या हो गया, नॉन वेज सैलेड का मतलब ये हो गया कि उसको नॉन वेज के सेक्शन में रखिए, सैलेड वाले सेक्शन में, नॉन वेज के सेक्शन में। वेट, मैं नहीं कि वेज के सेक्शन में रखिए, सैलेड वाले सेक्शन। वेज हो गया साला, एक नया ट्रेंड चला है वेज में दूध घुसाई के देने के लिए। सुनो, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, ठीक है। ये मुर्गा का टांग है, नहीं ये तो फल है, ये फ्रूट हो गया, ये मुर्गा का हार्ट है। साले नया नया इन्वेंशन कर रहे हैं लोग, हराम। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो मीट मांस जो आप देख रहे हैं इतने भारी लेवल पे, ये हमारे कलयुग का चरम सीमा है। हाँ, ये हमारा शुरुआती तौर है। हम लोग जो है चार भाई बहन इस कलयुग में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कहीं और, क्योंकि शायद हो सकता है कि हम चारों भाई बहन में कुछ समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो। तू बात सुन, इधर मैं सही बता रही हूँ। वहाँ के जो छोड़ो रहने दो यार, मैं ना अंदर नहीं गया, मैं बस ये बताना चाहता हूँ। अंदर जिन जिन लोगों ने मुझे नहीं देखा भाई, अगले बार कहीं अच्छे जगह पे मिलेंगे, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोगों ने नहीं देखा मुझे, और ये लोग मिल के आए उन सब लोगों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारे बिहार के क्रिएटर से मिल के आ रहे हैं ये लोग। चलो ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया वो अलग बात है, शिवम ने चिकन खा लिया है। मम्मी मेरी बोली कि हम बाहर का किसी भी हाल में तुम लोग कहोगी तो नहीं खाएंगे, वही बर्तन इस्तेमाल करता है। मैं मान गई, बहुत सही किया है मम्मी ने। बाहर गई, चार दिन रह के, तीन दिन रह के आई, घर से सत्तू लेके गई थी, अपना घोल के पी लिया उसने, और कुछ नहीं, उसके अलावा उसने कुछ खाया ही नहीं बाहर का, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि बाहर में मुझे वेज मिल जाएगा। और अब हम और मिलेगा भी बना बनाया, तो वो क्या पहले उसमें नॉन वेज नहीं बना होगा, या फिर बहुत सारी बर्तन यूज नहीं हुआ होगा, जो प्लेट है वो एकदम प्योर वेजिटेरियन प्लेट में मिलेगा खाने, नहीं मिलेगा, क्या है नहीं है, बहुत सारी चीज है, बनाने वाला वेजिटेरियन है कि नहीं है, समझ रहे हो, बहुत सारा चीज, कम से कम 100-150 सवाल होता है हम वेजिटेरियन के मन में, एक आध दो नहीं होता है।
हम लोगों के लिए, अगर जो नॉनवेज कुछ है मतलब नॉनवेज खाने जैसा बड़ा कुछ है तो प्याज यही था प्लेट सजा के लाई थी पूजा, ये वेज वाला वाइट वाला जिसमें वेजिटेबल है, ये साग पत्ती, ये हाँ ये नॉनवेज है, ये नॉनवेज है हाँ। पालक में लपेट के क्यों लग रहा है कि अरे भाई पालक में हमको लग रहा है, हमको लग रहा है ना ऐसा कि अभी थोड़े टाइम के बाद में ना पालक में और उसके अंदर ना पता चलेगा अभी मांस लपेट के खा रहे हैं अभी उसके अंदर, चाइना में हुआ है भाई, कलयुग है क्या कर सकते हैं, बाहर में नहीं खाना है इस कलयुग में, कलकी का अवतार कौन कौन देखना चाहता है, अगर जो देखना चाहते हो तो हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हो हमारे भगवान चैनल पर, रहने दो। मैं कसम खा के कह रही हूँ, मेरा एक सोच है बहुत पुराना सोच कि हे भगवान आज से 40 साल पहले मुझे क्यों नहीं पैदा किया, कम से कम ये चीज देखते देखने के दौरान मेरी मृत्यु तो हो जाती कम से कम, वही तो। बिहार में सड़क पे ये चीज देखना ना पड़ता, हर मांस टंगा है, ऐसे टंगा है वैसे टंगा है, बदबू आ रही है, पता नहीं कैसे खाते हैं इतनी बदबूदार चीजें, खैर जो खाते हैं वो खा रहे हैं, कम से कम अपना अंदर तो रखो, कानून बना के टांग दिया है बस किताबों के लिए, सड़क पे कुछ नहीं दिखता, चारों तरफ मांस मांस मच्छी मच्छी दिख रही है, अब लोगों के थाली में भी परोस दे रहे हैं चुपके से, इतना नॉन वेजिटेरियन हो गए हैं, और बिहारी तो भाई रूल फॉलो करे, किसी ने एक बार क्या हुआ था कि ट्रेन में मुझे एक आरपीएफ के जवान ने पकड़ा था और वो बोला था कि बिहारी रूल फॉलो करता है मैं नहीं मानूंगा, और मैं बिहारी थी, मैं लड़ गई, मैं बोली कि मैंने फॉलो किया है मेरे पास टिकट है, तो वो मेरे से लड़ गया, लेकिन उसके ये जो शब्द थे ना उस दिन मुझे बहुत चुभे थे, आज मैं उसको अप्रिसिएट करती हूँ, बिल्कुल सही बात बोला है, और मैं भी बोलूंगी बींग अ बिहारी बोलूंगी कि यहाँ 5-star होटल वाला भी रूल फॉलो नहीं करता है, उसके यहाँ के खाने ठेले वाले के खाने से कहीं ज्यादा खराब है, मत खाइएगा, सतर्क रहिएगा। तो अभी मैं नहा के आया और बहुत बुरा लग रहा है अभी भी, क्योंकि इस तरह का हादसा मेरे साथ कभी पहले नहीं हुआ है और एकदम अनएक्सपेक्टेड हुआ है, हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा कुछ। आ जा यूट्यूब, आ रहा है क्या, लाइट दिखा ना यूट्यूब को, मुंह पे लाइट दिखा, यूट्यूब आओ, यूट्यूब आ जाओ, मत करियो ऐसे जंप मार रहे ना, कहाँ है अभी यूट्यूब, यूट्यूब उधर से, उधर से इसके मुंह पे लाइट दिखाओ, तो सब लोग अभी भी सदमे में ही हैं, कुछ लोग घर के अंदर हैं, ये लड़की यहाँ पे है, ये भी लड़की कब से रिग्रेट ही कर रही है, अभी भी मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और घर पे आने के बाद मैंने पहले ब्रश किया और पानी से कुल्ला किया, चाय से कुल्ला किया, ये सब करने के बाद और अभी मैं आपको आपके सामने दिख रहा हूँ, अभी रात का लगभग 10:30 बज रहा है, 10:30, खाना नहीं खाया है अभी तक क्योंकि मन नहीं हो रहा है, और जब गाड़ी में बैठा हुआ था ना तब बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था, और कारण वही है चिकन पांडा यूट्यूब, ऐसा वर्ड बोलने को भी बहुत अजीब लग रहा है, तो मैं एक बार फिर से वो बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इस कंडीशन से इस बात से बहुत रिलेट कर पाए। आ गए तुम, ऐसे क्यों चल रहे हो, आराम से दौड़ नहीं सकते हो तुम, मतलब जो लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं, कभी जिस चीज़ का सपना भी नहीं देखा, सोचो सपने में भी गलती से कभी देख लिया हो तो ऐसा भी नहीं हुआ है, वो आज हो गया हमारे साथ, मेरे साथ स्पेशली, और क्या क्या बोलूँ, जितना कुछ बोलूँ वो सब कम है इस सिचुएशन के लिए, और ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा मैं, वरना आप लोगों को भी बुरा बुरा लगेगा, क्योंकि जो लोग खाते हैं उनको तो बुरा ही लगेगा, और बाकी हम लोग तो खाते नहीं हैं, और मैं क्या बोलूँ, मुझे मैंने बात भी नहीं किया पूजा से अभी कुछ देर से, मुझे अजीब ही लग रहा है कि क्या बोलूँ उसको भी, मैं कभी कभी गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, कभी सोच रहा हूँ होटल वाले की गलती है, वैसे बराबर ही है भाई, इसी गलती कमी उनकी ज़्यादा है, वेज के बीच में नॉन वेज नहीं रखने का था लेकिन फिर भी हुआ। चलो वैसे हम लोग यूट्यूब इवेंट में गए थे, इवेंट में ओके ओके था, बहुत मज़ा तो नहीं आया लेकिन ठीक ठीक था, और आते टाइम ये हो गया तो फिर सब सत्यानाश ही हो गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपसे मिलते हैं दोबारा कल एक नए वीडियो के साथ, हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।